भाई साहब, एक नाई की बीवी का और दूसरा नाई की भी। हाँ भाई, क्या ये दो दो नाइकिया? नाइकिया दो दो जूते। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ब्रैड बीवी। मैं सुबह सुबह नहा धो के रेडी फिर से, मैंने प्रण ले लिया कि मैं लेट नहाऊंगी नहीं अब से। पहले जैसे करती थी कि सुबह उठते ही सबसे पहले नहाती थी, फिर सारे काम करने बैठती थी पूजा पाठ करके, तो वो बनने की तैयारी है। जबकि मेरे पति देव जी उड़ा रहे हैं मेरा बहुत ज़्यादा मजाक। मेरे पति देव जी बोल रहे हैं कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, भक्तानी बन चुकी हूँ, सुबह सुबह उठ के घंटियाँ बजानी शुरू कर देती हूँ मंदिर की। लेकिन मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, तो मुझे जो चीज़ करने में अच्छा लगता है मैं तो वो करूँगी भाई। कोई इतना भी मजाक उड़ा ले तो उड़ा ले। मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मेरी हो चुकी है मॉर्निंग और मैं सुबह सुबह उठ के बाहर निकला हूँ। ये देखो भाई साहब, एक नाई की बीवी का और दूसरा नाई की भी। हाँ भाई, क्या ये दो दो नाइकिया? दो दो जूते। अरे एक रखना है, एक भेजना है वापस। दो साइजेस मंगाए, जो साइज सही आएगा वो रखूंगी। क्या साइज मंगाए? 5.5 और 6। 5 है पॉइंट में भी आते हैं? नाइकी के साइजेस पॉइंट में आते हैं। अच्छा, हमने तो पहना नहीं है नाइकी। पहने तो इंसान को बेकार भाई, पॉइंट वाली चीज तो वैसे नहीं पहने। तो ये देखिए परफेक्ट साइज आता है उसी की वजह से। अरे भाई साहब, डबल स्टोरी जूता भाई साहब, इतना मोटा। अबे आज 2-3 इंच तो आपकी हाइट ही बढ़ जाएगी। अरे क्या है, लेकिन दिखने में इतना बड़ा है लेकिन हल्का है बहुत, काफ़ी। एयर मैक्स। अच्छे जी, अच्छे जी, बढ़िया है। मुझे तो दिखाओ, मैंने भी नहीं खोले। मैंने भी खोले, लिए तो आप नहीं है। वो तो मिंत्रा वाले ने खोल के बस चेक कराया कि मैम यही मंगाया आपने। हाँ जी, ले जाओ। दो दो जूते आ गए, तो पहन के तो देख लो कौन सा सही है। असली बात यह है कि मैंने दो साइजेस तो मंगाए हैं, साथ में मैंने दो कलर भी मंगाए हैं, क्योंकि मुझे ये कलर पसंद है और मेरे पति देव जी को ये। देखिए, तो इन्होंने कहा कि कलर क्या लड़ना, कलर के लिए दो जूते मंगा लो। वाह वाह, दो जूते में सेम क्या करूंगी, एक वापस जाएगा। वैसे भी एक साइज सही आएगा, एक तो वापस जाएगा। ये भी डबल स्टोरी है, खुद ही पसंद करके खुद ही भूल गए हो। नहीं, डबल स्टोरी मेरे को नहीं पता था, ये भी डबल स्टोरी है। ये वही वाला शू तो है जो उस दिन साइबर हब में आपने पसंद किया था, लेकिन मेरा साइज नहीं था। तो मैंने उस दिन साइबर हब में ढंग से थोड़ा देखा था, मैं तो आपको जल्दी जल्दी करवाना था। पहन लो, कोई भी पहनते, और क्या। इसी जूते से होगी सुताई। तो फिर कौन सा पहन रहे हो, कौन सा आ गया? मुझे तो यार ये थोड़ा सा अब भी ये लग रहा है, ये कलरफुल है थोड़ा सा, बहुत ग्रीन कलर है ये, थोड़ा सा मेरे को ऐसे लग रहा है सटल। लेकिन मुझे ये ज्यादा क्लासी लग रहा है। क्लासी कौन सी? थोड़ा झटैक पटैक लग रहा है। झटैक पटैक की तो चलते है स्नीकर। दोनों पहन के देख लो कौन सा आ रहा है। बस मैं एक चीज मिस कर रही हूं, पता, मुझे यही कलर पसंद है, बस इसमें ये चीज रेड या मरून होनी चाहिए। अच्छा, तो कलर कर लो ना, पेंटिंग कलर नहीं करते वो, बचपन में नहीं सिखाए थे? अच्छा, शिशु मंदिर में पढ़े हो, वहां पे होता नहीं होगा। ये कौन सा साइज है? 6। वाह, सॉक्स तो लाके दो। तो लाओ, सारे काम मैं करूंगा। हाँ। जूते किसके आए हैं? मेरे। तो फिर सॉक्स को लाया आप। कोई काम नहीं करता ये लड़का। ये देखिए, सुबह सुबह दोनों जूते आ गए, खुश लड़की बिल्कुल। तो फिर ये, अरे लाइटें क्यों जला रखी हमने सुबह सुबह? अरे ये वाले एरिया में हमेशा अंधेरा होता है, मैं काम कर रही थी ना स्क्रीन पे, तो अभी मैं बहुत स्क्रीन पे काम करती हूँ तो लाइट्स ऑन करके कर दूंगा। लेकिन अभी थोड़ी धूप वूप कम है ना, बरसातों के जो मौसम बना हुआ है, धूप कमी निकल रही है। वीक हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी, मुझे स्पेक्स लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो दोस्तों, एक पैर में ये पहनते हैं, एक पैर में वो पहनते, और ऐसी पहन के जाओ, मैं तो कह रहा हूँ एक क्लासी और एक ऐसे। नहीं, एक एक वापस कर दे, एक एक पहन जा। मुझे देख, अब भी ये सही लग रहा है। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? कौन सा अच्छा? कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा? तो ये ऐसे वापस हो जाएंगे? हाँ। अच्छा जी, तो उल्टा वैसे होना चाहिए, कंपनी को करना चाहिए कि साइज अगर सही नहीं है तो एकदम उसी टाइम पे ले जाओ। हाँ, वो कह रहा था मिंत्रा वाला कि मैम ट्राई एंड बाय भी पॉसिबल है, अगर आप ट्राई करके साथ के साथ एक रिटर्न करना चाहते हो तो एक सेट रिटर्न कर दो, पर आप तब तक सो रहे थे तो मुझे लगा। तो मिंत्रा वाले इतनी सुबह कैसे आ गए आज? ये सुबह सुबह ही आते हैं यार मिंत्रा वाले,
8:30-9 बजे को आ जाते थे उन्हें। अच्छा चलो अच्छी बात है, ऑफिस जाने से पहले आ जाते हैं। वाह जी वाह। देख अगर स्नीकर देखा जाए, स्नीकर मेरे को वो डिफरेंट डिफरेंट कलर है इसलिए सही लग रहा है, ये तेरे को सही लग रहा है। साइज कौन सा है? साइज आ तो दोनों ही गए। ये पूरा परफेक्ट है पैर में, ये हल्का सा लूज है तो फिर, लेकिन फिर लग रहा है कि ये टाइट तो नहीं लगने लगेगा। मैं कह रहा हूँ ऐसे ही थोड़ी देर बैठ के ऐसे घूमते रहो, जिम विम कराओ। जिम कराओ और फिर वापस हो जाएंगे क्या बुद्धू? ऐसा थोड़ी होता है। गाइस आप बताइए कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे भी दिखाओ यार, मतलब फोटो क्लिक करके या मैं कैसे देखूंगी? आप खुद अपने चेहरे पे वो देखो, आंखों से मतलब ऐसे दूर से कैसे लग रहा है वो कैसे देखूंगी? व्लॉग में मैं आपको दिखा देता हूं। व्लॉग में दिखा दो, व्लॉग तो आएगा कल। सच्ची सच्ची बताओ ना कौन सा अच्छा लग रहा है। तो आफ्टर डिस्कसिंग विद फैमिली एंड फ्रेंड्स नहीं, मैंने अपने देवर को कॉल किया। मैं देवर ने बोला भाभी बेज अच्छा लग रहा है, ब्लैक और रेड इतना अच्छा नहीं लग रहा, कॉमन सा शू है। तो मैंने बोला देवर ने पसंद किया बेज, और सुबह को जो पसंद है वो हो गया रिजेक्ट, ये जाएगा वापस, इसको कर देते हैं पैक और ये हो गया डन। सॉरी। ओके गाइस, अब से इस वीडियो में शाना नहीं दिखेगी आपको व्लॉग में, ये टेप चैनल मैंने टेक ओवर कर लिया। क्यों नहीं दिखेगी? तो मेरी बात नहीं मानेगा तो अब ऐसा ही होगा। अच्छा, साला होने ही था। गाइस हम दोनों हो गए रेडी और आज हम दोनों जा रहे हैं काम से। जैसे मैंने आपको लास्ट मंथ बताया था कि इस बार मेरी किट्टी पार्टी निकली है, तो फाइनल करने जाना है कि वो ऑर्गेनाइज कहाँ पे करनी है। तो 2000 जगह जाना पड़ेगा, फूड वगैरह टेस्टिंग करनी पड़ेगी और फिर एक फाइनल करना पड़ेगा जगह की, कहाँ पे मैं वो पार्टी ऑर्गेनाइज करूँगी अपनी किट्टी पार्टी, जो कि अब आने ही वाली है नेक्स्ट मंथ में, मतलब इसी मंथ में सेकेंड सैटरडे होता है। तो अभी मुझे बाहर भी जाना है तो टाइम बहुत कम है, इसीलिए आज ये काम निपटा के ही आते हैं। किसी भी तरह से निकलते हैं दोनों, देखते हैं क्या फाइनल होता है, आपको भी दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम ढूंढना। प्रभात भी रेडी, मंदिर की लाइट जला देना। चलो जल्दी। चलो भैया बता दिया। अच्छा जी, तो हम आए हैं शान्या की किटी पार्टी की जगह फाइनल करने। देखिए अब क्या फाइनल होता है, शायद मान जाए। शायद मान जाए। अरे जहाँ पे जा रहे हो आप पार्टी करने, सही किया और सब सही किया। चलो ये भी काम हो जाएगा आज। हम लोग जहाँ गए थे वो तो ऑलरेडी बुकड है, तो हम लोग मूड ख़राब करके अभी आए हैं ओम स्वीट्स पे। जहाँ हम गए थे मेरा बहुत मन था कि मैं वहीं पे करूँ, और मैं बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगाया था कि वो पूरा बुक होगा। मैंने एक दिन लगाया था आइडिया, लेकिन उसको चुप करा दिया गया। क्या तुम्हें क्या पता? सुब्रत ने मुझे कहा था कि एक बार पहले कॉल करके कर लो पता, हो सकता है वो बुक हो सैटरडे है। मैंने बोला अरे यार कहाँ ही बुक होगा, चलते हैं ना सीधे, हो जाएगा। सेम चीज़ हो गई, सुप्रभात सही निकले और वो बुक था। मैंने तो पूरा थीम एंड ऑल सब सोच रखा था, तो मेरा तो बहुत ही बड़ा पोपट हो गया। पूरा अगेन स्टार्टिंग से सोचना होगा और सिर्फ एक वीक बचा है, और कैसे होगा पता नहीं। और इस बीच में मुझे बाहर भी जाना है। मेरे आ गए गोलगप्पे और सुप्रभात ने मंगाया डोसा। गोलगप्पे प्लस डोसा इज इक्वल टू शान्या प्लस सुप्रभात। सो गाइस खाना पीना हो गया, घूमना घुमाना हो गया, अब चल रहे हैं अपने घर। गाइस एक जगह तो स्पेस मिला नहीं, अब हम आए हैं दूसरी जगह बात करने के लिए, ढूंढने के लिए। यहाँ पे खैर हमने एक चीज़ अच्छी करी है कि कॉल करके पता कर लिया कि है तो सही अवेलेबल, लेकिन देखते हैं कि रेट वेट चीज़ें टेस्ट भी करना है, खाना फूड टेस्टिंग करके आते हैं अच्छा है कैसा है, देन डिसाइड करते हैं कि करना है या नहीं करना।
तो हम अब आए हैं साउथ पॉइंट मॉल, ये गुड़गांव का सबसे एक्सपेंसिव जिम हुआ करता था, अब नहीं है, अब कल्ट हो गया जिसमें मैं जाती हूँ। रेंट और सेल ले रहे होंगे। हम हो गए फ्री और चल रहे हैं घर। बात तो हो गई है, एक ऑप्शन कुछ कुछ समझ में आया है, देखते हैं अगर पूरा फाइनल समझ में आता है तो डन कर देंगे, नहीं तो दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढ लेंगे। देर से हम लोग ढूंढ रहे थे अपनी गाड़ी जो हमें मिल ही नहीं रही थी, हम कहाँ से गए और कहाँ से आ गए ये भूल गए, फाइनली मिली है 10-15 मिनट हील्स पहन के चलते चलते के बाद। हाँ गाड़ी खड़ी करते हो यार, कहाँ ढूंढते हो, इतना चला दिया, हील्स पहन पहन के चल रहे हैं और